तो यहाँ पर फर्स्ट पार्ट है हमारे पास में 135 एंड 225 का आपको HCF निकालना है. यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द HCF ऑफ 135 एंड 225. ठीक है, तो यहाँ पर देखिए HCF आपने सेवन्थ सिक्स्थ में आपने सीखा होगा HCF कैसे निकालते हैं, LCM कैसे निकालते हैं, है ना. और HCF आपको निकालना भी आता है, बट उस मेथड से नहीं निकालना है. यहाँ पर वहाँ पर आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आप निकालते थे, क्लियर है. यहाँ पर आपको वो मेथड यूज़ नहीं करना है. यहाँ पर कौन सा मेथड यूज़ करना है, यहाँ पर करना है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम का यूज़ करना है आपको, उससे आपको HCF फाइंड करना है, क्लियर है. तो चलिए यहाँ पर देखते हैं कैसे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम होती क्या है. सबसे पहले तो आपको यूक्लिड डिवीजन लेमा पता होनी चाहिए कि क्या चीज़ है, ठीक है. तो यहाँ पर यूक्लिड डिवीजन लेमा अगर मैं बताऊँ तो यूक्लिड डिवीजन लेमा का फॉर्मेट होता है ए इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर. समझना बहुत ध्यान से, ठीक है. ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ये फॉर्मेट होता है हमारा यूक्लिड डिवीजन लेमा, इस फॉर्मेट के अंदर होती है. अब देखो ये कोई नई बात नहीं है, सबसे पहली बात तो कि ये कोई आपके लिए नई बात नहीं है. आपने अगर क्लास सिक्स सेवन्थ में आपने अगर ये पढ़ रखा है, समझना, डिविडेंड इज इक्वल्स टू, और ये नाइन्थ क्लास में भी था आपका, डिवाइजर इंटू कोशंट, ठीक है, प्लस रिमाइंडर, प्लस रिमाइंडर. अगर ये आपने पढ़ रखा है तो ये आपके लिए कोई नई बात नहीं है, बस फॉर्मेट अलग हो गया. मैं आपको समझाना चाहूँ अगर, तो ये देखो डिविडेंड जो होता है वो क्या होता है, हमारा ए होता है, ठीक है. डिवाइजर जो होता है वो बी होता है, कोशंट जो होता है वो क्यू होता है, और रिमाइंडर जो होता है आर होता है, बस. तो आपका फॉर्मेट चेंज कर दिया गया है, फॉर्मेट आपके लिए एक नया आ गया कि ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, बट चीज़ वही है कि जो डिविडेंड डिवाइजर इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर जो आपने पढ़ रखा है सेवन्थ एट नाइन्थ क्लास में, वही फॉर्मेट है यहाँ पर. और ये आपको पता है ये डिवीजन एल्गोरिथम होती है, डिवीजन होता है, ठीक है. तो भाई आप यहाँ पर ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ये डिवीजन यूक्लिड डिवीजन लेमा है ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, इससे आपको क्या निकालना है, एच सी एफ फाइंड करना है, कुल मिलाकर बात ये. अब हम कैसे करेंगे इन क्वेश्चन को, कैसे करेंगे, तो देखो मैं आपको थोड़ा सा एक चीज़ें समझाता हूँ और उनको समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है. जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने कहा आपको कि ये देखिए, मैंने जैसे आपको कहा कि 7 और 24, इसका HCF फाइंड करके मुझे बताइए, मैंने आपको ये कहा, ठीक है. पहले अपन एग्जांपल के तौर पे समझते हैं, बहुत अच्छे से समझ में आएगा आपको, उसके बाद में हम क्वेश्चंस लेंगे, ठीक है. तो यहाँ पर देखिए 7 और 24 का आपको HCF निकालना है, अगर मैं कह रहा हूँ आपको, तो आप कैसे निकालेंगे. तो जो यूक्लिड डिवीजन लेमा है वो एक तरह से लॉन्ग डिवीजन मेथड पे काम करती है, ठीक है. जब बड़े बड़े HCF, बड़े बड़े नंबर का HCF अपने को फाइंड करना होता है ना, वहाँ पर इस मेथड का यूज़ करते हैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम. ये बहुत ही एक तरह से कहते हैं ना कि यार लेस टाइम कंज्यूमिंग मेथड है, ठीक है, जब बड़े नंबर की बात होती है. अगर छोटे नंबर की बात है तो छोटे नंबर का तो HCF हम डायरेक्टली वैसे भी निकाल सकते हैं कम टाइम में, बट अगर बड़े नंबर आ जाते तो वहाँ पर यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज़ करके हम कुछ ही टाइम में आंसर दे सकते हैं, क्लियर है, वहीं पर ही इसका यूज़ होता है. तो देखिए यहाँ पर 724 का अगर HCF निकाल लेंगे तो आप फटाफट से निकाल सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है. वहीं अगर मैं आपके बड़े नंबर दे दूँ जैसे कि 135, 225 इनका, तो इनका HCF निकालना थोड़ा सा मुश्किल होता है. तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज़ करते हैं. अब देखो यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या कहती है, तो यूक्लिड डिवीजन लेमा कहती है, मैंने आपको बताया ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर. तो यहाँ पर करना क्या होता है कि यहाँ पर जो 135 और 225 है, देखो मैं लॉन्ग डिवीजन मेथड बता रहा हूँ, एक्चुअली होता क्या है, इस यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम जो होता है ना, इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड भी बोलते हैं. कैसे लॉन्ग डिवीजन मेथड, लॉन्ग डिवीजन मेथड से HCF फाइंड करना, कैसे, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको 135 और 225 का HCF फाइंड करना है, ठीक है. तो देखो मैं एक प्रोसेस बता रहा हूँ आपको कैसे आप फाइंड कर सकते हो HCF. यहाँ समझना, जो इनमें से छोटा नंबर होता है, छोटा नंबर कौन सा है, आप कहोगे 135, तो आप क्या करो 135 से डिवाइड करो 225 को, क्लियर है, छोटे नंबर से डिवाइड करेंगे. फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ 4 और यहाँ लिखता हूँ मैं 16. अब आप डिवाइड किससे करोगे, 16 से 4 को करोगे या 4 से 16 को, छोटे नंबर से डिवाइड करेंगे, तो हमने कुल मिला के छोटा नंबर ले लिया यहाँ पर, ठीक है. अब 135 से हम इसको डिवाइड करेंगे, कितने टाइम्स जाएगा, 2 टाइम्स जाएगा, नहीं 2 टाइम्स 270 हो जाएगा, लेकिन 1 टाइम्स ही जाएगा. और यहाँ पर हमें रिक्वायरमेंट नहीं होती कोशंट लिखने की, ये बात ध्यान रखना, यहाँ पर ऐसा मत लिखना 135 नहीं, कोशंट नहीं लिखना अपने को, कोशंट लिखोगे गड़बड़ होगी, ठीक है. तो यहाँ पर बस 135 यहाँ लिख दो 135. अब आपको क्या लिखना है, क्या करते हो आप, माइनस, तो 5 में से 5 लेस करेंगे 0, और 12 में से 3 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 9,
और यहाँ इसने कैरी दी तो बस 90। अब क्या होता है, ये 90 जो होता है ना, ये हमारा क्या बन जाता है, डिवाइज़र बन जाता है, और ये 135 हमारा कहाँ आ जाता है, यहाँ पर आ जाता है। समझना बात को, समझना। देखो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम कैसे बनती है, ऐसे ही बनती है। अब वापस से करेंगे, क्वेश्चन ज़रूरी नहीं है लिखना। तो 90 को इससे करेंगे, कितने टाइम जाएगा, 90 वन टाइम से जाएगा, 5 में से 0 5 और 13 में से 9 अगर लेस करते हैं तो 4। क्लियर है। फिर ये 45 तो यहीं रहेगा, डिवाइज़र बन जाएगा, और ये 90 हमारा कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। मतलब आप चीज़ों को समझ रहे हो कि हमारा डिवीज़र और डिविडेंड क्या हो रहा है, हमेशा चेंज हो रहा है इस प्रोसेस में। अब 45 से 90 को करेंगे तो ये बिल्कुल बिल्कुल परफेक्ट जा रहा है, 90 मतलब 0, यहाँ पर रिमाइंडर क्या आ रहा है, 0, और जहाँ पर रिमाइंडर 0 आएगा और उसका जो डिवीज़र होगा वही हमारा क्या होता है, HCF होता है। तो इसका HCF क्या आएगा, 45। इस फर्स्ट वाले का HCF क्या आएगा, 45। बट ये आंसर नहीं है, ये आंसर नहीं है। मैं तो आपको ये बता रहा हूँ कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम यहाँ पर ऐसे काम करती है। क्लियर है बात, ये तो मैंने आपको समझा दिया, बट आपको करना कैसे है उसको आप समझना। क्लियर है। तो देखो ये ऐसे काम करती है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, तो आपको करना कैसे है। तो फॉर एग्जांपल हम करते हैं इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट। अब सेकंड एंड थर्ड पार्ट हम फटाफट से करेंगे, हम ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है। मैंने फर्स्ट पार्ट में ही आपको थोड़ा सा समझा दिया कि यार ये ऐसा काम करती है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का फॉर्मेट ऐसा होता है, इसलिए मेरे को इतना टाइम लग रहा है, नहीं तो ये वीडियो तीन चार मिनट के अंदर खत्म हो सकती थी। बट टाइम इसलिए लग रहा है क्योंकि मेरे को पूरा आपको समझाना है, हर एक चीज़ मैं आपको समझाना चाहता हूँ, तो पूरा अच्छे से समझना, क्योंकि टेंथ है, आप इसको एक ईजी नहीं ले सकते हो, आपको हर एक चीज़ की डीप नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने, मैंने आपको ये प्रोसेस समझा दिया, मतलब यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम को ही हम लॉन्ग डिवीजन मेथड भी कहते हैं, और लॉन्ग डिवीजन मेथड से HCF निकालना, ये प्रोसेस है ये, ठीक है। तो अब हम इसका एक बिल्कुल एक्चुअल सोल्यूशन देखते हैं कैसा निकलेगा इसका। तो देखिए 135 और 225 का निकालना है, तो आपको पता है क्या निकालते हैं हम, सबसे पहले हम लेस देन और ग्रेटर देन नंबर देखते हैं, कौन सा ग्रेटर नंबर है, कौन सा लेसर नंबर है, और उसके हिसाब से फिर डिवीजर और डिविडेंड को हम चूज करते हैं। क्लियर है। तो यहाँ पर देखिए, सिंस 225 इज ग्रेटर देन 135, देन वी अप्लाई, आपको पूरा ऐसा लैंग्वेज लिखना है, वी अप्लाई द डिवीजन लेमा टू, मैं यहाँ पे इसको एक काम करता हूँ, इसको मैं हटा देता हूँ, अब इसकी ज़रूरत वैसे पड़ेगी नहीं, चलो एक मिनट यहीं पे कर देता हूँ, टू 25 एंड 135 टू ऑप्टेन, क्या मिलेगा हमारे को इससे, 225। देखिए यहाँ पर जो डिवीजन लेमा होती है वो किस फॉर्मेट में होती है, यूक्लिड डिवीजन है, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। अब समझना देखो, ए क्या होता है, डिविडेंड होता है हमारा, यहाँ पर डिविडेंड क्या है प्रोसेस में, डिविडेंड देखो 225 है, इज इक्वल टू, बी क्या होता है डिवीजर होता है, डिवीजर क्या है 135 है, क्यू क्या होता है रिमाइंडर होता है, रिमाइंडर बताओ कितना आया है यहाँ पर, बी क्यू रिमाइंडर कितना आया, वन टाइम से तो गया था ये ओनली, बट यहाँ पर लिखना नहीं है ना, ठीक है, या आप लिख भी सकते हो कोई दिक्कत नहीं है, वन टाइम्स, ये वन टाइम्स, ये टू टाइम्स, ऐसे लिख सकते हो कोई दिक्कत नहीं है। तो 135 क्यू कितना है, क्वेश्चन कितना आया, सॉरी रिमाइंडर नहीं, क्वेश्चन कितना आया था, वन आया था, तो वन प्लस रिमाइंडर कितना आया था, यहाँ पर रिमाइंडर आया था हमारा 90। क्लियर है बात। अब देखिए यहाँ पर आपको लिखना है कि आपका रिमाइंडर जीरो नहीं आया ना यहाँ पर, तो आपको फिर प्रोसेस को और चलाना है, तो सिंस रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू जीरो, या आप लिख सकते हो सिंस रिमाइंडर जो है 90 आया आपका, 90 इज नॉट इक्वल टू जीरो, देन वी अप्लाई द, फिर वापस से ये लैंग्वेज लिखनी है आपको, डिवीजन लेमा टू, अब चेंज हो जाएगा आपका नंबर, ठीक है, अब चेंज हो जाएगा आपका नंबर, क्या हो जाएगा, टू 135 एंड 135 एंड 90 टू ऑप्टेन। अब बताओ 135 कहाँ पे आएगा, डिविडेंड क्या है 135 है, 135 डिवाइजर क्या है 90 है, 90 इनटू कितने टाइम्स जाएगा, वन टाइम से जाएगा, क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर कितना आया था यहाँ पर 45। अब बताइए रिमाइंडर अभी तक जीरो आया है क्या, नहीं आया, देन फिर से हम अगेन चेक करेंगे इसको, तो सिंस रिमाइंडर
45 is not equals to 0, then we apply the division lemma to, अब क्या हो जाएगा हमारा 90 and 45 to obtain, क्या हो जाएगा हमारा 90 is equals to 45 into 2 प्लस रिमाइंडर, अब क्या आ जाएगा हमारा 0 आया था। तो ये चीज़ है, यही प्रोसेस लगता है हमारा इसमें यूक्लिड डिवीजन में, क्लियर है। तो ये मैं अब इसको रब कर देता हूँ, मेरे पास में जगह नहीं है, ठीक है। और a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर फॉर्मेट हमारा चलता है। तो 40 प्लस 0, अब यहाँ पर क्या आ गया हमारा रिमाइंडर 0 आ गया, बस अब हम इसे स्टॉप कर देंगे प्रोसेस को, ठीक है। तो हम लिख देंगे सिंस द रिमाइंडर इज 0, सिंस द रिमाइंडर इज 0, द प्रोसेस स्टॉप। जब तक आपका रिमाइंडर 0 नहीं आएगा जब तक प्रोसेस आपका चलता रहेगा, ठीक है। फिर सिंस द डिवीजर एट दिस स्टेज, सिंस द डिवीजर एट दिस स्टेज, क्योंकि हमारे को बताना ना एचसीएफ क्या है, तो उस जो डिवीजर उस स्टेज में आया वही तो इसका एचसीएफ होगा। क्या था हमारा 45, क्या है हमारा डिवीज़र क्या है इस स्टेज में, जहाँ पर जीरो रिमाइंडर आ गया वहाँ पर जीरो क्या है, जीरो रिमाइंडर आ गया मतलब वहाँ पर डिवीज़र क्या है 45 है। तो एट दिस स्टेज इज 45, क्लियर है। देयरफोर द एचसीएफ, और बिल्कुल इजी लैंग्वेज में लिखवा रहा हूँ मैं आपको, जिससे कि आपको बहुत ईजी पड़े, 135 एंड 235 इज 45, ये आपका आंसर है, मैंने सर्कल कर दिया, क्लियर है। इस टाइप से अगर क्वेश्चन को करोगे तो फुल मार्क्स मिलेंगे। अगर एक डेढ़ दो नंबर का अगर क्वेश्चन आता है इस टाइप का और आपको पूरी लैंग्वेज लिखनी है तो इस टाइप से आप इस क्वेश्चन को करोगे, क्लियर है। बिल्कुल ईजी लैंग्वेज में मैंने आपको करवाया और बहुत आसान है, बिल्कुल यूक्लिड डिवीजन लेमा ही लॉन्ग डिवीजन मेथड है एचसीएफ फाइंड करने के लिए, ठीक है। और लॉन्ग डिवीजन मेथड में मैंने आपको जैसा प्रोसेस करवाया था वही तो प्रोसेस है, वो सिर्फ मैंने आपको वैसा करवाया रफली, और यहाँ पर मैंने कैसे कराया आपको लैंग्वेज के फॉर्म में कराया, बाकी प्रोसेस वही लग रहा है। तो आपको यूक्लिड डिवीजन लेमा में क्या करना होता है कि आपको जो जीरो होता है जब तक रिमाइंडर जीरो नहीं आएगा, और देखो इसकी ट्रिक बताऊँ मैं आपको, बार बार आपको उसमें देखने की जरूरत नहीं। देखो 225 इज इक्वल टू 135 इंटू 1 प्लस 90, ये फर्स्ट प्रोसेस हुआ। अब क्या होता है एक्चुअली ये जो 135 होता है, 135 हमारा यहाँ आ जाता है और जो 90 होता है वो यहाँ आ जाता है सेकंड प्रोसेस में। देखो कैसे हो रहा है, देखो ये 135 यहाँ आ गया, आया ये 90, अब यहाँ आ जाएगा 90, देखो यहाँ बन गया, और फिर देख लो आप कितने टाइम जा रहा है प्लस 40 में। अब क्या होगा 90, अभी भी रिमाइंडर जीरो नहीं आया, अब 90 हमारा यहाँ आ जाएगा और 45 यहाँ आ जाएगा, देखो आया ना 90 और 45 कितने टाइम जा रहा है 2/0 आ गया। बस जीरो आती इस स्टेज के हमारे को क्या देखना है, डिवीज़र देखना है, इस स्टेज का डिवीज़र कौन है 45 है, मतलब यही क्या होगा हमारा एचसीएफ होगा। इस टाइप से इस क्वेश्चन क्लियर है। तो यहाँ पर फर्स्ट का सेकंड पार्ट डिस्कस करेंगे, 196 एंड 38220 38220 का आपको एचसीएफ निकालना है। 38220 एंड 196 ये दो नंबर्स दिए हुए हैं और इन दोनों नंबर्स का आपको एचसीएफ फाइंड करना है। एचसीएफ फाइंड करने के लिए मैंने आपको प्रीवियस वीडियो के अंदर डिस्कस किया था कि यहाँ पर यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज़ करके ही आपको एचसीएफ फाइंड करना है। तो एचसीएफ कैसे फाइंड किया जाता है, तो देखिए यहाँ पर हमें दो छोटे नंबर्स कौन से दिख रहे हैं, एक नंबर दिख रहा है छोटा 196 और 38220 को हम क्या करवाएंगे कंपैरिजन कराएंगे। तो यहाँ पर छोटा कौन है भाई 196 है, जब 196 है तो 196 हमारा डिवीज़र बनेगा और डिविडेंड कौन बनेगा 38220, क्लियर है। छोटा नंबर हम निकालते हैं, छोटे नंबर को डिवीज़र बनाते हैं और बड़े नंबर को हम डिविडेंड बनाते हैं, क्लियर है। और प्रोसेस हमारा कब तक चलता रहता है, अगर आपने फर्स्ट जो हमारी प्रीवियस वीडियो देखी है तो प्रोसेस हमारा कब तक चलता है, जब तक रिमाइंडर हमारा जीरो नहीं आता है। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम में यही होता है कि जब तक आपका रिमाइंडर जीरो नहीं आता जब तक आप प्रोसेस चलाते रहिए, ठीक है। और जब रिमाइंडर आ जाता है तो जिस स्टेज में आपका रिमाइंडर जीरो आया उस स्टेज का आपको डिवीज़र देखना होता है, और जो डिवीज़र होता है उस स्टेज का वही हमारा एचसीएफ होता है, क्लियर है। तो चलिए हम करते हैं शुरू और समझिएगा आप। तो यहाँ पर हम लिखते हैं लैंग्वेज, सिंस 196 एंड 38220 देन सिंस 38220 इज़ ग्रेटर देन 196, क्लियर है। देन वी अप्लाई द डिवीज़न लेमा, डिवीज़न लेमा
टू किस किस में लगाएंगे, इन दोनों नंबर में, 238,220 एंड 196. टू ऑफ टेन, सिंपल लैंग्वेज लिखवा रहा हूँ मैं, क्लियर है? टू ऑफ टेन क्या मिलेगा आपको, 38,220 इज इक्वल टू 196 इंटू, अब देखो आपको ये थोड़ा सा निकालना पड़ेगा, ठीक है? तो 196 को डिवाइड करिए 38,220 को 196 से आपको डिवाइड करना होगा. सबसे पहले कैलकुलेशन आपकी सही होनी चाहिए, ठीक है? डिवाइड में आपको थोड़ा आलस नहीं करना है यहाँ पर, तो आपको डिवाइड करना है. तो 196 वन जा 196 और 196 टू जा तो कुछ ज़्यादा ही हो जाएगा, है ना, 400 के करीबन चल जाएगा. चलो 196 वन जा 196 वन टाइम्स ही जाएगा, 12 में से 6 लेस होगा, 6 आएगा, यहाँ पर 7 हो जाएगा, 7 में से 9 जाएगा, नहीं तो 17 में से 9 जाएगा, बिल्कुल जाएगा. कितने टाइम 17 में से 9 अगर लेस करते तो कितना आता है, 8 आता है, ठीक है? यहाँ पर 2 हो गया, 2 में से 1 लेस करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा, 186 आ गया, 196 जाएगा नहीं, ये 2 जो है यहाँ पर कर देंगे हम, और 196 को 1862 को 196 से डिवाइड करेंगे. अब एक बार कर लेते हैं अपन, कितने टाइम्स जाएगा बताओ, 196 को अगर हम 10 टाइम्स करते तो 1960 आता है, ठीक है? 196 को हम एक बार 8 टाइम्स करके 9 टाइम्स करके देखते हैं, 9 टाइम्स है ना, 96 जा 54, 81, 86, 1764, बिल्कुल सही है, 9 टाइम्स 1764 करीबन गया. 12 में से 4 लेस करेंगे कितना आएगा भाई, 8 आएगा, 5 हो गया, 5 में से 6 जाएगा नहीं, 15 में से 6 जाएगा, 9, ठीक है? यहाँ पर कितना हो गया, 7 में से 0 और 0, ठीक है, 98 आया डिफरेंस, ये 0 है, यहाँ नोट कर लेंगे. अब 180 196 डिवाइड करेंगे तो 196 से एक काम करो, 2 2 चौक 8 2 5 10 2 चौक 8, 4 टाइम्स ही जाएगा, ठीक है? 6 4 जा 24, 9 चौक 36, 37 38, 4 1 5 4, 5 6 7, 784. कितने टाइम्स गया भाई, 4 टाइम्स गया, ठीक है? कितने टाइम्स गया, 4 टाइम्स ही गया ना, तो 4 टाइम्स और 5 टाइम्स करेंगे तो, एक मिनट 5 टाइम्स भी करके देख लेते हैं, 196 को 5 टाइम्स करके देख लेते हैं, 5 टाइम्स 6 5 जा 30, 9 5 जा 45, 45 48, 980, अरे बिल्कुल पूरा पूरा जा रहा है, तो 980 कितने टाइम्स, 5 टाइम्स, क्लियर है? ये तो पूरा पूरा चल गया भाई, तो 5 टाइम्स 195 टाइम्स गया है ये पूरा पूरा कंप्लीट, ठीक है? तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, 196 इंटू क्वोशंट कितना आया आपका, क्वोशंट आया 195, और रिमाइंडर कितना आया, रिमाइंडर आया प्लस 0. ये आपको फॉर्मेट पता है ना, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर है, यूक्लिड डिवीजन लेमा जो होती है वो इस फॉर्मेट के अंदर होती है, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, वेयर ए इज इक्वल टू डिविडेंड, बी इज इक्वल टू डिवाइजर, क्यू इज इक्वल टू क्वोशंट एंड रिमाइंडर आर, क्लियर है? अब यहाँ पर देखिए, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के फॉर्मेट में लिखी हुई है. अब यहाँ पर हमारा फर्स्ट टाइम में ही 0 आ गया, जब हमने डिवाइड करा तो फर्स्ट टाइम में 0 आ गया. अब हमारा फर्स्ट टाइम में 0 आ गया तो भैया हो गया ये तो आंसर, इस स्टेज का हमारा जो डिवीजर है वही हमारा क्या होगा, एच सी एफ होगा, यही तो बताया था. तो यहाँ पर सिंस द रिमाइंडर आ गया, हमें चेक करने की ज़रूरत नहीं है, सिंस द रिमाइंडर इज 0, द प्रोसेस इज स्टॉप, क्लियर है? आगे प्रोसेस चलाना ही नहीं हमारे को. फिर सिंस द डिवीजर एट दिस स्टेज इज कितना है बताओ, इस स्टेज पे डिवीजर कितना है, 196, यही है ना, देयरफोर HCF ऑफ 196 एंड 38,220 इज कितना हो जाएगा, 196. सर्कल कर दिया मैंने, ये आंसर है आपका, क्लियर है? फर्स्ट टाइम में ही आपका, फर्स्ट प्रोसेस में ही आपका 0 आ गया रिमाइंडर, और 0 आ गया मतलब 0 वाला जो डिवीज़र होगा, 0 जहाँ पर आ गया वो स्टेज जो होगी उसका डिवीज़र जो होगा, ये देखिए यहाँ पर 196 दिख रहा है, यही हमारा क्या होगा, एच सी एफ होगा, यही तो है यूक्लिड डिवीजन लेमा, यूक्लिड डिवीजन लेमा से एच सी एफ फाइंड करना,
ठीक है, आपको अच्छे से समझ में आया। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट है 867 और 255 का एचसीएफ फाइंड करना है आपको यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज़ करके। तो आप कैसे करेंगे, आपको पता है कि यहाँ पर जो हम कंपैरिजन करते हैं नंबर को और नंबर देखते हैं कि छोटा कौन है और बड़ा कौन है। तो छोटा नंबर देखते हैं 255 है, 255 तो हमारा डिवीज़र बनेगा और 867 जो है वो डिविडेंड बनेगा और इनके ऊपर हम प्रोसेस लगाएंगे। और प्रोसेस हम कब तक लगाते हैं, जब तक हमारा रिमाइंडर ज़ीरो नहीं आ जाता। और जहाँ पर रिमाइंडर ज़ीरो आता है उस वाली स्टेज को चेक करते हैं, और जहाँ पर रिमाइंडर ज़ीरो आता है उस स्टेज में जो डिवीज़र होता है वही हमारा एचसीएफ होता है। यही हमारा यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम से एचसीएफ फाइंड करना होता है। क्लियर है? तो यहां पर हम क्या करेंगे, चलिए चेक करते हैं। तो सिंस, और लैंग्वेज बिल्कुल इजी लिखवाऊंगा आपको जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आए। सिंस 867 इज ग्रेटर देन 255, देन वी अप्लाई द डिवीजन लेमा। 255 एंड 867, क्लियर है? टू ऑप्टेन, क्या मिलेगा हमें, क्या मिलेगा डिवीजन लेमा अगर उसके ऊपर हम 255 और 867 के ऊपर जब हम डिवीजन एल्गोरिथम लगाएंगे तो हमें मिलेगा 867 इज इक्वल्स टू, आपको पता है नहीं फॉर्मेट, फॉर्मेट क्या होता है हमारा, ए इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, यही तो फॉर्मेट होता है हमारा यूक्लिड डिवीजन लेमा। ठीक है, तो इसी फॉर्मेट में लिखते हैं डिविडेंड इज इक्वल टू डिविजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। तो 867 हमारा क्या बनेगा, डिविडेंड, डिवाइजर क्या बनेगा 255 लिख दिया इनटू क्वेश्चन, क्वेश्चन कब आएगा जब इनको डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करके देखते हैं। तो 255 को, 867 को 255 से डिवाइड करते हैं, कितने टाइम्स आएगा बताओ, 243, फोर टाइम्स जाएगा नहीं, थ्री टाइम्स आएगा, थ्री टाइम्स करके देख लेते हैं। कैसे कर रहा हूँ मैं पता है ना, अंदाज़ा लगा रहा हूँ, क्योंकि 255 है तो आप 255 को 250 मान लो, 250 मान लो, 250 मतलब 25, और 25 3 जा 75, तो ये 750 के करीब चल गया। 25 4 जा 1000, तो 4 टाइम्स तो जाएगा नहीं, 867 से ज़्यादा चल जाएगा वो, तो 25 4 जा 100 होता है, मतलब 10 और लगाएंगे ना हम, उस हिसाब से मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ, क्योंकि आप 10th क्लास में आ गए तो आपको फिर बच्चों वाली कैलकुलेशन नहीं करनी, ये बात ध्यान रखिएगा। तो 255 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, 5 3 जा 15 होता है भाई, 5 3 जा 15 एंड 16, 3 2 जा 6 और 7 765, कितने टाइम्स आएगा, 3 टाइम्स, 765, 7 में से 5 लेस करेंगे 2 आएगा, 6 में से 6 लेस करेंगे 0, 8 में से 7 लेस करेंगे 1, क्लियर है? चलिए अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, आपको पता है 102 आ गया और 3 टाइम्स, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 3 टाइम्स प्लस 102, क्लियर है? चलिए अब हम इसे हटा देते हैं, ये प्रोसेस हो गया हमारा, फर्स्ट वाला प्रोसेस हो गया हमारा डिविडेंड का। अब यहाँ पर क्या रिमाइंडर 0 आ रहा है, नहीं आ रहा है ना, तो रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है तो हम लिख सकते हैं सिंस, हमारा प्रोसेस अभी और चलेगा, तो सिंस रिमाइंडर इज नॉट इक्वल्स टू 0 या 102, सिंस रिमाइंडर जो आया 102 इज नॉट इक्वल्स टू 0, देन वी अप्लाई द डिवीजन लेमा 2, ये वाली लाइन लिखनी है आपको 2, देखो अब क्या होगा आपका, अब आपका क्या चेंज होगा, अब हमारा चेंज होगा डिविडेंड और डिवीजर। ठीक है, डिविडेंड और डिवीजर हमारा क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, मैंने आपको बताया था प्रीवियस वीडियो में, ये 255 है ना, ये यहाँ आ जाएगा, आप ऐसे हो जाएगा ये 255, और ये 102 है ना वो 255 की जगह आ जाएगा ऐसे। तो हमारा जो डिविडेंड है और डिवीजर है ये चेंज हो गए, तो हमारा लेमा 2 किस किस के ऊपर लगेगा, 255 और 102 के ऊपर, 255 एंड 102 टू ऑप्टेन, ये तरीका होता है इसको करने का। अब देखो 255 और 102 पे लगाता हूँ मैं, और आपको अगर ये समझ में नहीं आ रहा ना तो पहले प्रीवियस वीडियो फर्स्ट वाला पार्ट देख लेना, उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि अच्छा ऐसा क्यों कर रहे हैं हम, लॉन्ग डिविजन मेथड समझा रखा है मैंने उसमें। अब देखो 102 को इससे करेंगे कितने टाइम्स आएगा, 2 टाइम्स आएगा, 204 आएगा। ठीक है, 5 में से 4 लेस करेंगे 1, 5 में से 0 लेस करेंगे 5, क्लियर है? तो कितने टाइम्स आ रहा है, 2 टाइम्स, प्लस रिमाइंडर कितना बच रहा है, 51, अभी भी रिमाइंडर 0 नहीं आया, इसका मतलब है कि अभी भी प्रोसेस आगे चलाएंगे। तो सिंस रिमाइंडर 51 आया ना हमारा, 51 इज नॉट इक्वल्स टू 0, देन वी अप्लाई
डिवीजन लेमा 2। अब किस पे लगाएंगे हम डिवीजन लेमा, फिर देखो मैं बताता हूँ आपको। ये 102 कहाँ आएगा, यहाँ पर आएगा, यहाँ लिख दो 102 इज इक्वल टू। ये 51 कहाँ आएगा, यहाँ आएगा, क्लियर है। अब किस पे लगाएंगे, इन दोनों पे लगाएंगे, तो लेमा 2 102 एंड 51 टू ऑप्टेन क्या मिला आपको, 102 इज इक्वल टू 51। आप वापस से 51 को 102 को डिवाइड करेंगे 51 से, देखो पूरा 2 टाइम्स आ रहा है, पूरा 2 टाइम्स आ रहा है, मतलब रिमाइंडर कितना आ गया 0। तो 51 इंटू 2 करेंगे प्लस रिमाइंडर कितना आएगा 0 आएगा, मतलब इस वाली स्टेज पे हमारा रिमाइंडर क्या आ गया 0। देन हम लिखेंगे सिंस द रिमाइंडर इज 0, रिमाइंडर इज 0 द प्रोसेस स्टॉप, क्योंकि अब आगे करेंगे ही नहीं, रिमाइंडर हमारा क्या आ गया 0 आ गया, ठीक है। इसे मैं रब कर देता हूँ, ठीक है, चलो ये आ गया। देन सिंस अब हम एच सी एफ निकालते हैं, और एच सी एफ क्या होता है, जो इस स्टेज का डिवीज़र होगा, जहाँ पर रिमाइंडर 0 आया उस स्टेज का जो डिवीज़र होगा वही हमारा एच सी एफ होता है। तो सिंस द डिवीज़र एट दिस स्टेज इज 51, देयरफोर द एच सी एफ ऑफ कौन कौन से नंबर थे, 867 एंड 255 इज क्या होगा 51। सर्कल कर रहा हूँ, ये हमारा आंसर होगा, क्लियर है। इस स्टेज का जहाँ पर रिमाइंडर 0 आ रहा है उस स्टेज का हमारे को डिवीज़र चेक करना है। देखो यहाँ पर 0 आया, इस स्टेज का डिवीज़र कौन है, यही तो है, तो ये क्या होगा हमारा एच सी एफ होगा, क्लियर है। इतने आसान से क्वेश्चन है, तो बस आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, अगर कॉन्सेप्ट पता है तो इजीली आप क्रैक कर सकते हो क्वेश्चन को, कोई बड़ी बात नहीं है, क्लियर है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इसी के साथ में कंप्लीट हो गया, तीनों क्वेश्चन नंबर टू। क्वेश्चन नंबर टू है हमारे पास, शो डैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q+1, 6q+3 और 6q+5, वेयर क्यू इज सम इंटीजर्स, क्लियर है। आपको शो करना है कि जितने भी नहीं, एवरी मुनी बोला है यहाँ पर, एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स, मतलब कुछ पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स जो है वो 6q+1, 6q+3, 6q+5 के फॉर्म में होते हैं। अगर यहाँ पर एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर होता तो एवरी ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स जो होते हैं वो 2q+1 के फॉर्मेट में होते हैं, ये याद रखिएगा। एवरी ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स जो होते हैं वो 2q+1 के फॉर्मेट में होते हैं, ये हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है। और देखिए यहाँ पर एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स, मतलब कुछ पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स जो होते हैं वो 6q+1, 6q+3 और 6q+5 के फॉर्मेट में होते हैं, ये आपको शो करके दिखाना है, क्लियर है। तो देखिए 6q+1, 6q+3, 6q+5 ही है क्या बेसिकली, 9th से 10th की ओर आए हो, कुछ नया कॉन्सेप्ट लग रहा है कि यार ये चीज़ें है क्या, समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। बट मैं आपको इस टाइप से क्वेश्चंस को समझाऊंगा कि बिल्कुल आपको आसान लगेगी हर एक चीज़, क्लियर है। तो ध्यान से देखिएगा और बिल्कुल डिफरेंट, बिल्कुल यूनिक सोल्यूशन होगा अपना, क्लियर है। तो देखिए यहाँ पर कैसा करेंगे अपन, आपने देखा है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम जो होती है वो बी इज इक्वल्स टू ए इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर के फॉर्मेट में होती है, होता है यही होता है ना फॉर्मेट, ए इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, ध्यान से समझना, ठीक है। वेयर ए इज इक्वल टू डिविडेंट, बी इज इक्वल टू डिवाइजर, क्यू मीन्स क्वोशेंट एंड आर क्या होता है रिमाइंडर होता है, ये आपको पता है। अब मैं थोड़ा सा आपको कुछ एग्जाम्पल देके समझाता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा एक 20 क्या है हमारे पास में डिविडेंट है और 3 हमारे पास में डिवाइजर है, ठीक है। मैं डिवाइड करता हूँ इसको, तो 3 6 18 आया, तो 20 में से 18 अगर लेस करते तो कितना आता है हमारा 2 आता है। 20 में से 18 लेस करने का मतलब है कि 20 में से 18 जो आया है वो 2 आया है, और 2 क्या है हमारे पास में, 2 जो है वो रिमाइंडर है, ठीक है। 6 जो है वो क्वोशेंट है, 3 जो है वो डिवाइजर है, और 20 जो है वो डिविडेंट है, ये क्लियर है बात। चलिए अब देखना आप चीज़ें, मैं आपको समझाता हूँ। जहाँ पर एक कंडीशन होती है, एक कंडीशन में समझाता हूँ, रिमाइंडर की एक कंडीशन होती है, ये जो रिमाइंडर दिख रहा है ये रिमाइंडर की एक कंडीशन होती है कि जो रिमाइंडर होता है वो ग्रेटर देन होगा और इक्वल्स टू होगा 0 के, क्लियर है। जो रिमाइंडर होगा वो हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल होगा 0 के, और लेस देन होगा बी के, बी मीन्स
डिवाइज़र, क्लियर है। देखिए कोई सा भी डिवीज़न उठा के देख लीजिए, दुनिया का कोई सा भी डिवीज़न उठा के देख लीजिए, ये कंडीशन होती है वहाँ पर, रिमाइंडर की एक ही कंडीशन होती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर 20 को देखो आप कर रहे हो, तो ये रिमाइंडर जो आ रहा है वो 2 आ रहा है, 2 जो है वो लेस देन है ना 3 से, जो 2 है, 2 जो है रिमाइंडर, रिमाइंडर देखो लेस देन है ना 3 से, है या नहीं है, क्लियर है बात। और जो 2 है वो ग्रेटर देन है 0 से, और इक्वल भी हो सकता है, रिमाइंडर कभी 0 भी आ सकता है और 0 से बड़ा ही आएगा, कभी लेस माइनस में नहीं आती रिमाइंडर, है ना। और रिमाइंडर जो होता है वो छोटा होता है हमेशा डिवीज़र से, बेसिक सिंपल सी बात है, अगर डिवीज़र से बड़ा होगा तो कैसे और आगे आ जाएगा ये, तो ठीक है। तो सिंपल सी बात है कि रिमाइंडर जो होगा वो डिवीज़र से हमेशा छोटा ही होगा, ये सिंपल सी बात है, ये आपको समझ में आ गया। चलो तो ये बात थी डिवीज़न की। तो यहाँ पर जो यूक्लिड डिवीज़न लेमा होती है, मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर आपको रिमाइंडर का जो एक कंडीशन होती है वो आपको पता होनी चाहिए, कि जो रिमाइंडर होगा वो ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 होगा और लेस देन होगा बी, क्लियर है बात, कोई परेशानी नहीं है ना, ठीक है। चलो अब देखो मैं आपको समझाता हूँ। अब मैंने अभी आपको जैसे कि फॉर एग्जांपल ये 6q+1 दिखा हुआ है, यहाँ पर 6q+1 इसको देखिए आप, ये 6q+1 है, ये 6q+1 जो है ना ये फॉर्मेट है हमारा bq+r का, किसका फॉर्मेट है bq+r, ये एक तरह से 6q+1 इस फॉर्मेट में लिखा हुआ है bq+r, मतलब जो ये 6 है ये डिनोट कर रहा है किसको, रिप्रेजेंट कर रहा है बी को, जो बी है वो क्या है हमारा 6 है, ये बात क्लियर है। और जो बी होता है वो क्या होता है हमारा, बी जो होता है वो क्या होता है, वो होता है हमारा डिवीज़र, ये बात क्लियर है। मतलब ये जो 6q+1 है, 6q+3 है, ये 6q+5, इस फॉर्म में जो भी नंबर होंगे उनके जो उनका जो डिवीज़र होगा वो क्या होगा, 6 ही तो होगा, क्लियर है बात। चलिए इतना चीज़ समझ में आ गया। अब आपको ये करना है कि एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स जो होते हैं वो 6q+1, 6q+3, 6q+5 के फॉर्मेट में होते हैं, ये आपको शो करना है, समझ गए। तो अब मैंने आपको बताया कि अभी 6q+1 जो है ये 6q+3 लिखा हुआ है, 6q+5 लिखा हुआ है, ये bq+r के फॉर्मेट में लिखे हुए हैं, जबकि यूक्लिड डिवीजन लेमा किस फॉर्मेट में होती है, a इज इक्वल टू bq+r के फॉर्मेट में होती है। तो यहाँ पर bq+r तो आ रहा है, बट कौन नहीं आ रहा है, a मौजूद नहीं है, a मौजूद है क्या यहाँ पर, a एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो a को हम क्या करवाते, एग्जिस्ट कराते इस क्वेश्चन के अंदर, क्या करवाएंगे, a को एग्जिस्ट करवाएंगे। एग्जिस्ट कैसे होगा, जब हम लेट करेंगे, जब हम लेट करेंगे जब ही तो एग्जिस्ट होगा, तो हमें क्या करवाना है यहाँ पर, लेट करवाना है। मैं फिर से कह रहा हूँ, वीडियो में टाइम लगेगा चीज़ों को समझना, मैं ऐसा समझाना चाह रहा हूँ आपको कि एक बार में बिल्कुल क्लियर हो जाए मामला, ठीक है, बार बार देखने की ज़रूरत ना पड़े आपको, तो और बिल्कुल यूनिक सेशन होगा, बिल्कुल डिफरेंट, ठीक है। इंटरनेट पर आप सर्च कर लेना भले, मैं आपको बिल्कुल अलग तरीके से कराऊंगा इस क्वेश्चन को। तो यहाँ पर हम लेट करेंगे कौन, देखो मैं लेट करता हूँ, लेट ए बी किसको लेट किया जाता है, जो हमें शो करना है डेट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स, तो लेट ए बी, क्लियर है, एनी ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है। एंड अभी मैंने आपको बताया था बी क्या होगा, यहां पर इस वाले क्वेश्चन में बी क्या होगा, 6 होगा, अभी बताया था मैंने आपको। Then there exist, ये आपको पूरा लिखना है, exist an integer q and r such that, किस हिसाब से exist करते q and r, मैंने आपको बताया कैसे exist करेंगे, a is equals to bq+r के फॉर्मेट में ऐसे करते हैं, तो a जो होगा वो a ही होगा, हमने लेट किया a इज इक्वल टू b, कौन होगा, b होगा हमारा 6, q ही रहेगा प्लस r, क्लियर है। अब r की कंडीशन होगी, r की क्या कंडीशन होगी, r की कंडीशन होगी कि जो r होगा वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा, वो मैंने आपको समझा दिया था, और लेस देन होगा किसका, b का, और b क्या है हमारा, b है हमारा 6, कंडीशन होती है ना r की, यहाँ पर मैंने आपको समझाई थी r इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड लेस देन b, तो यहाँ पर b की जगह मैं क्या लिखूँगा, b है हमारा 6, तो मैंने लिख लिया ये 6, चीज़ों को समझना, बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें, क्लियर है बात। अब जो रिमाइंडर होगा वो 0 से बड़ा होगा, तो हमारे जो रिमाइंडर्स, जो रिमाइंडर आए हैं वो रिमाइंडर कौन कौन से आए हैं पता है, रिमाइंडर जो आए हैं वो कौन कौन से आए, भाई 0 हो सकता है, 1 हो सकता है,
टू हो सकता है, थ्री हो सकता है, फोर हो सकता है, फाइव हो सकता है, सिक्स नहीं होगा जब भी कंडीशन सेटिस्फाइड होगी। क्लियर है? सिक्स नहीं होगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि भाई ए इज इक्वल्स टू सिक्स क्यू और ए इज इक्वल्स टू सिक्स क्यू प्लस वन। समझ रहे हो? ए इज इक्वल्स टू सिक्स क्यू, रिमाइंडर में सिक्स क्यू प्लस वन, और ए इज इक्वल्स टू सिक्स क्यू प्लस टू। मैंने बताया ना रिमाइंडर कौन कौन से हो सकते, अभी यहाँ पर मैं लिख दूंगा आपके लिए। और ए इज इक्वल्स टू सिक्स क्यू प्लस थ्री, और हो सकता है ए इज इक्वल्स टू सिक्स क्यू प्लस फोर, और क्या हो सकता है, और ए इज इक्वल्स टू सिक्स क्यू प्लस फाइव। सिक्स तक नहीं जाएगा क्योंकि लेस देन सिक्स तक ही है, सिक्स क्यू प्लस फाइव रिमाइंडर। क्यों? क्योंकि इसका रीज़न मैं यहाँ लिख रहा हूँ, देखो जगह नहीं है मेरे पास में, नहीं तो मैं यहाँ लिख देता। क्यों? क्यों? क्योंकि रिमाइंडर हमारा क्या होगा, रिमाइंडर क्या होगा हमारा बताओ। क्यों? क्योंकि आपको, एक मिनट चलो यहीं लिख दो, बिकॉज जो रिमाइंडर है वो हमारा ज़ीरो इज लेस देन ये आर, आर इज लेस देन फोर। इट्स इम्प्लाइज आर इज इक्वल्स टू ज़ीरो वन टू थ्री फोर फाइव, ऐसे लिख सकते हो आप, ठीक है। इसलिए इसका रीज़न मैंने दे दिया आपको, क्लियर है बात, कोई दिक्कत नहीं है ना। देन अब यहाँ पर आपको क्या लिखना है, ए इज इक्वल्स टू, अब मैं आपको समझाता हूँ, देखो चीज़ें आपको क्या निकालना है, एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स, क्या निकालना है, ऑड इंटीजर्स। अब मुझे एक बार बताओ क्यू में अगर कुछ भी वैल्यू पुट करो, सिक्स क्यू, क्यू में कुछ भी वैल्यू पुट करो, मैं कहता हूँ वन पुट करो, वन पुट करते तो क्या आता है, सिक्स आता है ना, वन पुट करने पर सिक्स आता है। इसमें क्या वन पुट करोगे तो क्या आएगा, थर्टीन आएगा, ठीक है। इसमें वन पुट करोगे तो क्या आएगा, फोर्टीन आएगा। इसमें वन पुट करोगे तो कितना आएगा, नाइन आएगा। समझ रहे हो मेरी बात को, सॉरी क्या हो गया ये, इसमें वन पुट करोगे सिक्स आएगा, इसमें वन पुट करोगे सेवन आएगा, इसमें वन पुट करोगे एट आएगा, इसमें वन पुट करोगे नाइन आएगा, इसमें वन पुट करोगे टेन आएगा, इसमें वन पुट करोगे इलेवन आएगा। क्लियर है? यहाँ पर क्या पूछा है आपसे, ऑड इंटीजर पूछा है, क्या पूछा है, ऑड इंटीजर पूछा है। तो ऑड कौन कौन से है भाई, ऑड है हमारे एक तो सेवन, एक है हमारा नाइन, और एक है हमारा इलेवन। किस किस पे करने पे आया, सेवन, सिक्स क्यू प्लस वन करने पे सेवन आया था, सिक्स क्यू प्लस थ्री करने पे नाइन आया था, सिक्स क्यू प्लस फाइव करने पे इलेवन आया था। क्लियर है बात, बताओ कोई परेशानी? मतलब सिक्स क्यू और सिक्स क्यू प्लस टू, सिक्स क्यू प्लस फोर, ये ऑड इंटीजर को नहीं कर रहे रिप्रेजेंट, ये कौन किसको करेंगे, ये इवन इंटीजर्स को करेंगे। क्लियर है बात, ठीक है। तो ए इज इक्वल्स टू, हम क्या लिखेंगे, ए इज इक्वल्स टू सिक्स क्यू प्लस वन, ठीक है, और ए इज इक्वल्स टू सिक्स क्यू प्लस थ्री, और ए इज इक्वल्स टू सिक्स क्यू प्लस फोर, सिक्स क्यू प्लस फाइव, सॉरी फाइव। क्लियर है? और यहाँ लिख लो, बिकॉज हमने इनको क्यों नहीं माना, ए इज इक्वल्स टू, ये क्यों नहीं हुए हमारे, क्योंकि भैया ए इज नॉट इक्वल्स टू कौन, सिक्स क्यू, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर नॉट इक्वल्स टू, ऑड चाहिए था हमारे को, यहाँ तो इवन आ रहा है, ठीक है, क्लियर है बात। और ए इज नॉट इक्वल्स टू कौन, सिक्स क्यू प्लस टू, और लिख सकते हो ए इज इक्वल्स टू सिक्स क्यू, ए इज नॉट इक्वल्स टू सिक्स क्यू प्लस फोर, ये आप रीजन डाल दो, ठीक है। हैंस एनी ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म, ऐसा सोल्यूशन करना है आपको, पूरी लैंग्वेज लिखनी है, इज ऑफ द फॉर्म कौन कौन से, सिक्स क्यू प्लस वन और सिक्स क्यू प्लस थ्री और सिक्स क्यू प्लस फाइव। क्लियर है? इस टाइप से आपको क्वेश्चन को करना है, बहुत ही आसान तरीके से करवाने की कोशिश की है मैंने। अगर आप इंटरनेट पे कोई भी सोल्यूशन देखना, बिल्कुल आपको डिफरेंट लगेंगे इनसे, बिल्कुल अलग यूनिक सोल्यूशन मैंने आपको दिया है, बिल्कुल इजी वे में, जिससे कि आपको बिल्कुल आसानी से ये समझ में आ जाए। क्लियर है बात? क्वेश्चन नंबर थर्ड,
क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारे पास, एन आर्मी कंटिजेंट ऑफ 616 मेंबर्स इज टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर्स इन अ परेड, द टू ग्रुप्स आर टू मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम्स, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच दे कैन मार्च। क्लियर है? तो देखो आर्मी कंटिजेंट है 616 मेंबर्स का, जो कि मार्च कर रहा है कहाँ पर, आर्मी बैंड के पीछे, और आर्मी बैंड जो है वो 32 मेंबर्स का है। क्लियर है? आपने मार्च करते हुए अगर देखी होगी अगर कभी, तो आर्मी का बैंड क्या होता है, पहले बैंड होता है उसके बाद में पीछे परेड करने वाले होते हैं, मार्च करने वाले होते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पर 32 मेंबर्स जो है वो आर्मी बैंड है, जिनका मेंबर्स जो है वो 32 है, और जो मार्च कर रहे हैं वो कितने हैं, 616। क्लियर है? 616 मेंबर्स हैं। अब यहाँ पर देखिए किस टाइप से ये क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि आपको क्या निकालना है, द टू ग्रुप्स आर टू मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम्स। दो ग्रुप्स बने हुए, एक ग्रुप तो ये है और एक ग्रुप ये है। अब मैं इनको समझाता हूँ कैसे ग्रुप बने हुए। देखिए यहाँ पर 32 मेंबर्स का जो आर्मी बैंड है, उनके 32 मेंबर्स यहाँ पर इस टाइप से सेट करने हैं, और 616 मेंबर्स इस टाइप से अपने को सेट करने हैं। जो नंबर ऑफ कॉलम्स आएंगे यहाँ पर, देखिए बोल रहा है व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच दे कैन मार्च, एंड द टू ग्रुप्स आर टू मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम्स। ये क्या कह रहा है, सेम नंबर ऑफ कॉलम्स होनी चाहिए। तो क्या मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे जिसमें वो मार्च करेंगे, तो नंबर ऑफ कॉलम्स निकालने, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स निकालने। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स कैसे निकालेंगे, तो देखो मैं पहले आपको क्वेश्चन समझाता हूँ। क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है कि यहाँ पर कुछ ऐसे कुछ मेंबर्स होंगे, ठीक है, ये फर्स्ट ग्रुप के ऐसे मान के चलिए कि ये टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हैं, 32 मेंबर्स, ठीक है, ये आर्मी बैंड वाले हैं। ऐसे यहाँ पर जो परेड कर रहे हैं, कोई मार्च जो कर रहे हैं वो मेंबर्स हैं, ठीक है, यहाँ पर कुछ इस टाइप से, इस टाइप से, ठीक है, ये कितने मेंबर्स हैं, ये 616 मेंबर्स हैं। अब यहाँ पर जो नंबर ऑफ कॉलम्स है, कौन से नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे, ये वाले, ये वाले, ये वाले जो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं, ये अपने को मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स निकालने कि जिसके अंदर ये सब सेट हो जाए। समझ रहे हो मेरी बात को, कि अपने को ऐसे मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स, कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे, 6 होंगे, 7 होंगे, 8 होंगे, 10 होंगे, 12 होंगे, 15 होंगे, कितने कॉलम्स ऐसे बनेंगे जिसके अंदर ये पूरे हमारे, ये जितने भी 616 मेंबर्स और 32 मेंबर्स, ये क्या हो जाए, हमारे सेट हो जाए। इस टाइप से अपने को निकालना है। क्लियर है? और 32 मेंबर्स हैं यहाँ पर, यहाँ पर कौन है, आर्मी बैंड में कितने हैं, 32 मेंबर्स हैं, और यहाँ पर कितने, 616 मेंबर्स हैं। तो हम इसको किस टाइप से सेट करें, तो नंबर ऑफ कॉलम्स हमारे को निकालने हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स निकालने हैं। तो मैक्सिमम वर्ड आ रहा है ना यहाँ पर, तो मैक्सिमम के लिए हमारे को क्या करना होगा, यहाँ पर HCF फाइंड करना होगा। आप समझ गए किस टाइप से क्वेश्चन कहना चाह रहा है, ठीक है, क्वेश्चन तो आप समझ गए। अब मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स निकालने के लिए हमारे को क्या निकालना होगा, HCF फाइंड करना होगा। मैक्सिमम मीन्स ही यही होता है, HCF फाइंड करना। क्लियर है? तो क्वेश्चन तो आप समझ गए, अब इसको अपन कैसे करेंगे, कुल मिलाकर अपने को क्या निकालना है यहाँ पर, HCF निकालना है, ठीक है। तो करते हैं हम HCF 616 एंड 32 विल गिव द मैक्सिमम नंबर ऑफ, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स। क्लियर है? इन विच दे कैन मार्च, मतलब HCF ही होगा जो अपने को आंसर देगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच दे कैन मार्च, ठीक है। देन हम HCF निकालने के किसका यूज़ करते हैं, वी कैन यूज़ यूक्लिड डिवीज़न, ठीक है, यहाँ पर डायरेक्टली नहीं निकालोगे आप, यूक्लिड डिवीज़न का यूज़ करना है, इसलिए तो ये क्वेश्चन दिया है। तो यूक्लिड डिवीज़न, यूक्लिड्स एल्गोरिथम लिख लो आप भले, टू फाइंड द HCF, टू फाइंड द HCF। क्लियर है? अब आपको पता है कैसे निकालते हैं HCF, हम यहाँ लिख लेते हैं, सिंस 616 इज ग्रेटर देन 32, देन वी अप्लाई द डिवीज़न
लेमा, टू 616 एंड 32 टू ऑप्टेन क्या मिलेगा आपको, 616 इज इक्वल्स टू 32 इंटू, बताओ भैया। अब आपको क्या करना है, डिवाइड करना है, एक बार करके देख लीजिए। आपको आता है ना एचसीएफ निकालना, अगर आपने फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन नहीं देखा है तो आपको थोड़ा सा अटपटा लग सकता है, तो फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन जरूर देखना जिससे कि आपको सही समझ में आए। तो 32 को 616 को आप 32 से डिवाइड करिए, तो 32 वन जा 32, 32 टू जा 64 होगा, तो 32 वन जा 32 होगा, 11 में से 2 लेस करेंगे 9 आएगा, यहाँ पर हो गया हमारा 5 में से 3 2 एंड 32 29 जाएगा नहीं 32 से, तो 6 को भी हम नोट कर लेते हैं। अब 32 कितने टाइम जाएगा बताइए, 32 किस कितने टाइम्स जाएगा, तो 32 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखो 32 को अगर 10 से करता हूँ तो 320 आता है, ठीक है। 32 को अगर मैं 10 से करूँगा तो कितना आएगा, 320 आएगा, ठीक है। तो 32 को 10 से मल्टीप्लाई करने पे 320 आएगा, तो 320 के करीबन ही है 296, तो 32 को 10 से तो नहीं 9 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 92 जा 18 एंड 93 जा 27 और 28 288, चलो ठीक है 9 टाइम्स जा रहा है, ठीक है। कितने टाइम्स जा रहा है, 9 टाइम्स जा रहा है, तो 9 टाइम्स हम लिख सकते हैं यहाँ पर 32 इंटू 9 प्लस रिमाइंडर कितना बच रहा है देख लेते हैं, 16 में से 8 लेस करेंगे 8 आएगा, यहाँ पर हो गया हमारा 8, 8 में से 8 गया 0, मतलब रिमाइंडर 8 ही बच रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम 8 नोट कर लेते हैं, हम इस कैलकुलेशन को हटा देता हूँ मैं। अब देखिए यहाँ पर 32 इंटू 9 प्लस 8 ये आ गया, अब बताइए रिमाइंडर 0 आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, तो रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है मतलब हम लिख सकते हैं सिंस रिमाइंडर क्या है, रिमाइंडर 8 इज नॉट इक्वल्स टू 0, देन वी अप्लाई, वापस से आप ये लाइन लिख लो, वी अप्लाई द डिवीजन लेमा टू। अब किस पे अप्लाई करेंगे अपन डिवीजन लेमा, आपको मैंने बताया था प्रीवियस क्वेश्चन में, ये 32 कहाँ आ जाता है यहाँ पर, और ये 8 हमारा यहाँ आ जाता है, ठीक है। लेमा टू किस पे, 32 और 8 पे लगाएंगे, 32 एंड 8 टू ऑप्टेन। अब बताओ 32 इंटू 32 और 8, 8 को आप करो, 32 को डिवाइड करो 8 से, तो कितने टाइम्स जा रहा है, पूरा जा रहा है 4 टाइम्स, कितने टाइम्स जा रहा है 4 टाइम्स, और 0 रिमाइंडर क्या आ रहा है हमारा 0 आ रहा है, क्लियर है। तो सिंस रिमाइंडर इज 0 द प्रोसेस स्टॉप, ठीक है स्टॉप कर देना अपने को, 0 आ गया रिमाइंडर, देन सिंस द डिवीजर एट दिस स्टेज क्या होगा, इस स्टेज का डिवीजर 8 है ना, एट दिस स्टेज इज 8 देयरफॉर द एचसीएफ ऑफ 616 एंड 32 इज 8, क्लियर है। क्या आ गया हमारा 8 आ गया, क्लियर है। तो इसका मतलब है कि हम स्टेटमेंट के तौर पे लिख सकते हैं देयरफॉर दे कैन मार्च, दे कैन मार्च इन 8 कॉलम्स ईच, क्लियर है, समझ गए बात को। तो इस टाइप से इस क्वेश्चन को करना था, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, बस समझने की देरी थी। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है हमारे पास, यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर्स ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ फॉर्म 3m और 3m प्लस 1 फॉर सम इंटीजर m, ठीक है। आपको यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करके आपको शो करना है कि स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, कोई पॉजिटिव इंटीजर्स के जो स्क्वायर्स होते हैं वो 3m और 3m प्लस 1 के फॉर्मेट में होते हैं, ठीक है, ये आपको शो करके दिखाना है। तो यहाँ पर आपको मैंने एक इस टाइप का ही क्वेश्चन करवाया था, एक क्वेश्चन नंबर 2 था शायद, उस क्वेश्चन में भी यही फॉर्मेट था, बट वहाँ पर स्क्वायर्स नहीं थे,
ठीक है, वहाँ पर कुछ एनी पॉजिटिव इंटीजर्स को फॉर्म मतलब बताना था, शो करके बताना था, 6q+1 ऐसी टाइप का क्वेश्चन था। यहाँ पर क्या है, स्क्वायर्स ऑफ एनी पॉजिटिव, स्क्वायर्स आ गया है, क्लियर है। तो यहाँ पर अपन क्या स्ट्रेटेजी लगाएंगे, देखिए यहाँ पर जो 3m और 3m+1 दिखा हुआ है, ये 3m और 3m+1 आपको पता है किस फॉर्मेट में लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है a=bq+r के फॉर्मेट में। यहाँ पर 3m लिखा हुआ है ना ओनली, इसका मतलब है कि यहाँ पर रिमाइंडर है ही नहीं, रिमाइंडर है तो ज़ीरो है, ठीक है। वहीं अगर 3m+1 की बात करूँ तो 3m+1 bq+r के फॉर्मेट में लिखा हुआ है, लिखा हुआ है या नहीं है, bq+r के फॉर्मेट पर लिखा हुआ है ना, b क्या हो गया 3, q क्या हो गया m, प्लस r क्या हो गया 1। बट यहाँ पर जो 3m की बात कर रहा था, ओनली 3m, 3m भी bq+r के फॉर्मेट में लिखा हुआ है, जहाँ पर b 3 q m और r जो है वो कुछ भी नहीं है, मतलब r क्या था, ज़ीरो था, इसलिए कुछ नहीं है, क्लियर है बात। तो फॉर्मेट हमारा क्या होता है इसका, लिक्विड डिवीजन का, a=bq+r, बट bq+r तो मौजूद है लेकिन a मौजूद है क्या यहाँ पर कहीं पर, तो a नहीं है, तो a को हम क्या करवाएंगे, एग्जिस्ट करवाएंगे, ठीक है। तो a को एग्जिस्ट कैसे करवाएंगे, लेट करेंगे तब एग्जिस्ट होगा, ठीक है। तो चलिए करवाते हैं हम a, तो लेट ए बी, ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। अब मैंने पॉजिटिव इंटीजर क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो होता है ना स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर वही लेना पड़ता है। तो लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। अगर ये बोलता ऑड पॉजिटिव इंटीजर तो ऑड पॉजिटिव इंटीजर ले लेते हैं, इवन पॉजिटिव इंटीजर्स तो इवन पॉजिटिव इंटीजर्स बोले, ओनली बोला इसने एनी पॉजिटिव इंटीजर तो हमने ले लिया लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। देन इट इज ऑफ द फॉर्म, किस फॉर्म में होगा, अगर ये पॉजिटिव इंटीजर है। अब आपको मैं बताता हूँ, देखो पॉजिटिव इंटीजर्स किस फॉर्मेट में होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स जितने भी होते हैं वो होते हैं इस फॉर्मेट में, 3q, 3q+1, 3q+2, इस फॉर्मेट में, क्लियर है। तो देन इट इज़ ऑफ द फॉर्म, ये आपको याद करके चलना है, 3q और 3q+1 और 3q+2, ये भी मैं आने वाले टाइम में प्रूफ करवा दूंगा कि ये 3q, 3q+1, 3q+2 के फॉर्मेट में क्यों होते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है, क्लियर है। तो अभी तो इस क्वेश्चन को करते हैं अपन, ये हो गया अपना। सो वी हैव द फॉलोइंग केसेस, हमारे पास में कुछ केसेस बनेंगे वो मैं आपको समझाता हूँ। वी हैव द फॉलोइंग केसेस, कौन कौन से केसेस बनेंगे, केस नंबर फर्स्ट, ठीक है। देखो केस नंबर फर्स्ट हमारा बन रहा है व्हेन ए इज इक्वल टू 3q, क्यों रखा मैंने 3q, क्योंकि अगर ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर है तो मैं ए को 3q के इक्वल रख रहा हूँ एक बार, तो मैं फिर मैं ए को 3q+1 के इक्वल रखूँगा और फिर मैं ए को 3q+2 के इक्वल में रखूँगा, क्लियर है। क्योंकि ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, देन ये जो a होगा वो किस फॉर्मेट में होगा, 3q, 3q+1, 3q+2 के फॉर्मेट में तो होगा, और मैंने क्यों 3q और 3q+1, 3q+2 कहाँ से लेकर आया, क्योंकि आपको ये याद करके चलना है कि जितने भी एनी पॉजिटिव इंटीजर्स जो होते हैं वो 3q, 3q+1, 3q+2 के फॉर्मेट में होते हैं, क्लियर है बात, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए तो व्हेन a इज इक्वल टू 3q हमने लिख लिया, और आपको देखो और 3q+2 टू तक ही क्यों गया, एक बार बताओ, कभी कभी कुछ क्वेश्चन होंगे जहाँ पर 6q+1, 6q+2 ऐसा भी होगा, 6q+3, 6q+4, 6q+5, क्योंकि रिमाइंडर जो होगा वो किससे छोटा होगा, बी से ही तो छोटा होगा, तो हमारे को टू तक ही जाना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर 4q लेता मैं तो 4q, 4q+1, 4q+2, 4q+3 तक जाता, बट मैंने 3q क्यों लिया, देखो मेरा 3q लेने का एक रीज़न था, क्योंकि यहाँ पर क्या है 3m+1 है, तो जो हमारा 3b चल रहा है वो किस फॉर्मेट में चल रहा है, b हमारा चल रहा है 3, तो इसलिए मैंने इसको भी 3 के फॉर्मेट में लिया। लेकिन ये m वेरिएबल नहीं लिया मैंने, यहाँ पर m की जगह कुछ और वेरिएबल लिया, और आपको भी कुछ और ही वेरिएबल लेके चलना है, ठीक है, और हमारे को शो करके दिखाना है 3m और 3m+1 के फॉर्मेट में, इसलिए मैंने यहाँ पर कुछ और वेरिएबल लिया है, क्लियर है। तो यहाँ पर देखिए a इज इक्वल टू 3q हो गया हमारा, a इज इक्वल टू 3q, तो हमारे को क्या करना है, स्क्वायरिंग बोथ साइड करना है यहाँ पर, क्योंकि स्क्वायर का है ना क्वेश्चन, क्या बोल रहा है, शो डेट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ठीक है। तो कर लेते हैं हम, ये हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर और ये हो जाएगा हमारा 3q स्क्वायर, ठीक है। तो ए स्क्वायर
इज इक्वल टू थ्री क्यू स्क्वायर मतलब नाइन क्यू स्क्वायर, थ्री का स्क्वायर थ्री स्क्वायर का मतलब नाइन और क्यू स्क्वायर मीन्स क्यू स्क्वायर, क्लियर है। फिर और आगे हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो देखो नाइन क्यू स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, और क्या लिख सकता हूँ मैं इसको ऐसा नहीं लिख सकता हूँ क्या थ्री क्यू। अब देखो मैं फॉर्मेट बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये बात ध्यान रखना, थ्री क्यू थ्री क्यू स्क्वायर, थ्री क्यू थ्री क्यू ऐसा लिख सकता हूँ क्या मैं बताओ, या मैं एक मिनट को मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ थ्री और थ्री क्यू स्क्वायर, बताओ ऐसा लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है ना। मैं क्यों ऐसा लिख रहा हूँ इसका भी मैं रीज़न बताता हूँ, देखो यहाँ पर क्या है एक्चुअली ये थ्री है, मेरे को क्या बनाना है ये देखो थ्री एम बनाना है, क्या बनाना है थ्री एम, और ये थ्री एम कैसे बनेगा जहाँ पर रिमाइंडर मौजूद नहीं होगा, तो थ्री क्यू से ही तो बनेगा, देखो यहाँ पर और यहाँ पर तो रिमाइंडर है ठीक है, तो ये जो रिमाइंडर्स वाले हैं ये तो 3m प्लस 1 के फॉर्मेट में बनेंगे, बट ये 3m कैसे बनेगा जहाँ पर रिमाइंडर नहीं है, तो रिमाइंडर कहाँ पर नहीं है 3q वाले से, तो 3q वाले से तो हमारा 3m बनेगा, और मेरे को 3m बनाना है शो करना है, तो 3m मैं कैसे शो कर सकता हूँ यहाँ से, देखो ये 3 तो आ गया, ये वाला 3 तो आ गया, अब 3q स्क्वायर मैंने वो ले लिया ठीक है, तो ये m अगर मैं इसको बोल दूँ 3q स्क्वायर और मैं बोल दूँ ये इसको ऐसे करके या यहीं पर कर देता हूँ मैं, ये क्या हो गया हमारा 3 3q स्क्वायर, इसको मैं ऐसे बोल दूँ 3m ठीक है, वेयर वेयर m इज इक्वल्स टू 3q स्क्वायर, बस तो हो गया ना हमारा 3m के फॉर्मेट में हो गया, ये कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए तो केस नंबर फर्स्ट हो गया हमारा, अब केस नंबर सेकंड, केस सेकंड ले लेते हैं, तो केस सेकंड में क्या करना है अपने को, केस सेकंड में a के इक्वल में मैं रखूँगा आप 3q प्लस 1, ये वाला 3q प्लस 1, तो ये लीजिए 3q प्लस 1। अब हम स्क्वायरिंग करेंगे दोनों साइड में, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, हो सकता है थोड़ा समझने में आपको दिक्कत हो रही हो, लेकिन आप अगर प्रीवियस वाले क्वेश्चन जो सेकंड वाला मैंने करवाया था ना उसको भी देखोगे ना तो आपको समझ में आएगा ठीक है, और ये नया कॉन्सेप्ट है तो हो सकता है आपको थोड़ा टाइम लगे, लेकिन समझने की कोशिश करो, मैं बहुत आसान तरीके से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब आपको क्या करना है, दोनों साइड में स्क्वायर करना है, तो आपने यहाँ पर ए स्क्वायर और यहाँ पर भी थ्री क्यू प्लस वन का होल स्क्वायर ठीक है, तो ए स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर आएगा ठीक है, यहाँ पर 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर करेंगे तो आपको पता है a प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा यहाँ पर, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, या ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, कुछ भी बोल सकते हो आप ठीक है, तो ये ही होती है हमारी आइडेंटिटीज। तो a क्या हो गया हमारा 3q का स्क्वायर, b क्या हो गया हमारा 1 का स्क्वायर प्लस 2 3q और 1, इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये बन जाएगा हमारा 9q स्क्वायर प्लस 1 प्लस 3 टू जा 6q, ये बनेगा 9q स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6q, मतलब हम इसको ऐसे बोल सकते हैं 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1 बोल सकते हैं ना, कोई परेशानी नहीं है। अब हमें इसको किस फॉर्मेट के अंदर बताना है, हमें बताना है 3m प्लस 1 के, क्योंकि इसमें रिमाइंडर मौजूद है तो 3m प्लस 1 के। अब इससे मैं 3m प्लस 1 कैसे बनाऊंगा देखना, देखो मैं यहाँ पर क्या लग सकता हूँ, ये क्या है 9 है, ध्यान रखना ये 9 है, यहाँ पर मैं कॉमन ले सकता हूँ, इसको प्लस वन को तो साइड में रखो क्योंकि ये प्लस वन तो आ गया अपना, कोई दिक्कत नहीं, इसको प्लस वन को तो यहाँ रख दो। अब देखो इन दोनों में मैं कॉमन ले सकता हूँ 3, क्योंकि ये 3 भी आ जाएगा, तो मैंने ये लिख दिया 3। अब कॉमन लेता हूँ मैं 3 और q तो रखना नहीं है, बार q मैं नहीं रख सकता हूँ, तो यहाँ पर अब कॉमन ले 3 3 जा 9 3 क्यू स्क्वायर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना, या एक काम करते रुको कॉमन लो तो फिर ढंग से ही लेना पड़ेगा अपने को, ऐसे नहीं, एक मिनट ये देखिए 3 ले लिया अपन ने, यहाँ पर 3 और q भी कॉमन आ रहा है ना, q को भी ले लो, तो 3 3 जा 9 3 q प्लस 3 2 जा 6 और q तो हमने कॉमन ले लिया, ये आ गया हमारा 3 q 3 q प्लस 2 प्लस 1, क्लियर है। अब हम क्या बोल सकते हैं इसको बताओ, देखो q इंटू 3 q प्लस 2 को मैं बोल सकता हूँ ना m ले लिया मैंने, नहीं बोल सकता हूँ, तो ये 3m प्लस 1 के फॉर्मेट में हमने शो कर दिया, क्लियर है। और ये जो चीज़ थी कौन सी, ये वाला 3m प्लस 1 वेयर वेयर जो m है वो मैंने कह दिया कि जो q 3q प्लस 2 है, 3q प्लस 2 है, क्लियर है बात, बताओ कोई परेशानी है। जो m है इस m को मैंने क्या बोल दिया, q इंटू 3q प्लस 2 है, बस तो q इंटू 3q प्लस 2 हमारा क्या हो गया
एम हो गया, तो थ्री और क्यू इंटू थ्री क्यू प्लस टू की जगह क्या रख दिया मैंने, एम रख दिया प्लस वन, तो हो गया ये भी शो थ्री एम प्लस वन के फॉर्मेट में। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या करना है, इसी ए के इक्वल में किसको रखना है, अब इस थ्री क्यू प्लस टू को, किसको रखेंगे, थ्री क्यू प्लस टू को। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग करेंगे, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। ठीक है, हर एक को शो करके दिखाना है आपको। तो ये हो गया हमारा ए स्क्वायर, और यहाँ पर हम कर लेंगे थ्री क्यू प्लस टू का होल स्क्वायर। फिर से हम ए स्क्वायर थ्री क्यू प्लस टू का होल स्क्वायर क्या होगा, आपको पता है थ्री का स्क्वायर करो नाइन क्यू स्क्वायर, ठीक है टू का स्क्वायर करो फोर, थ्री टू जा सिक्स, तो ये हो गया हमारा थ्री टू जा सिक्स, देखो नाइन क्यू स्क्वायर हो गया हमारा फोर क्यू, थ्री टू जा सिक्स, सिक्स टू जा ट्वेल्व, ट्वेल्व क्यू। ए प्लस बी का होल स्क्वायर में खोल देना आप, मैंने डायरेक्टली खोल दिया, तो ये बन गया हमारा नाइन क्यू स्क्वायर प्लस ट्वेल्व क्यू प्लस फोर, ये बनेगा। अब देखिए यहाँ पर, यहाँ पर मुझे क्या चाहिए, थ्री एम प्लस वन के फॉर्मेट में बनाना है, तो मैं एंड में तो प्लस वन रखूँगा, ठीक है, और मैं इसको फोर को मैं क्या लिख सकता हूँ, थ्री प्लस वन, नहीं लिख सकता हूँ क्या बताओ, थ्री प्लस वन, तो मैंने कुछ भी नहीं लिखा, फोर को थ्री प्लस वन लिखा। क्यों लिखा मैंने, क्योंकि मेरे को प्लस वन बात के लिए चाहिए, इस ये फॉर्मेट बनाना है मेरे को, तो प्लस वन मेरे को चाहिए ना, तो मैंने प्लस वन रख दिया, और फोर को मैंने क्या लिख दिया, थ्री प्लस वन लिख दिया बस, तो ये प्लस वन आ गया हमारा बार, फोर को थ्री प्लस वन लिख दिया। क्यों लिखा मैं, क्योंकि प्लस वन हमारे को चाहिए था, इसलिए मैंने लिखा। अब देखो नाइन क्यू स्क्वायर प्लस ट्वेल्व क्यू एज इट इज़ लिख दो। अब देखो यहाँ पर कॉमन भी ले सकते हो आप, थ्री थ्री जब कॉमन लोगे तो थ्री कॉमन ही आएगा, ओनली थ्री, ठीक है थ्री कॉमन आएगा, तो यहाँ पर क्या आएगा भैया, थ्री क्यू स्क्वायर थ्री फोर जा ट्वेल्व क्यू प्लस वन प्लस वन। अब ये भी हो गया हमारा थ्री एम प्लस वन के फॉर्मेट में, वेयर अब m की बारी आएगी, m क्या होगा यहाँ पर, m होगा हमारा थ्री क्यू स्क्वायर प्लस फोर क्यू प्लस वन। इस टाइप से इसको क्वेश्चन को आप सॉल्व करोगे, ठीक है, तो ये भी हमारा हो गया, क्लियर है बात। चलिए अब मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से, ये जो भी रफ था हमारा, ये हमारा सोल्यूशन है, ठीक है। हैंस यहाँ पर लिख लेना आप एंड वाली स्टेटमेंट, हैंस ए इज ऑफ द फॉर्म 3m और 3m प्लस वन, क्लियर है, ये स्टेटमेंट के तौर पर लिख देना। तो इस टाइप का क्वेश्चन हो सकता है आपके तीन मार्क्स का भी आ जाए, दो मार्क्स का भी आ जाए, तो आपको अगर पूरा आप ऐसा लिखोगे जब आपके फुल मार्क्स मिलेंगे, क्लियर है बात। और बहुत आसान सा क्वेश्चन है, कोई इतना टिपिकल भी नहीं है, बस ठीक है समझना थोड़ा सा, एक आपके लिए नया कॉन्सेप्ट हो सकता है कि आप 9 से 10th की ओर आए तो यार ये क्या चीज़ है, हो सकता है नया लगे आपको, लेकिन समझना तो होगा आपको, क्लियर है बात का। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है हमारे पास, यूज़ यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो डैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज़ करके आपको शो करना है कि क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर्स, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर्स जो भी है, एनी पॉजिटिव इंटीजर्स मतलब एवरी पॉजिटिव नहीं बोल रहा, एनी पॉजिटिव इंटीजर्स, किसी कोई है मतलब सम पॉजिटिव इंटीजर्स जो होते हैं उनके क्यूब जो होते हैं वो इस फॉर्मेट के अंदर होते हैं, 9m 9m प्लस 1 9m प्लस 8 के फॉर्मेट में, ये आपको शो करके दिखाना है, क्लियर है बात। तो यहाँ पर देखिए जो प्रीवियस क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर फोर्थ, अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ उसको आप एक बार देख लीजिएगा, वहाँ पर मैंने स्क्वायर वाला करवाया था, इसका जो प्रीवियस क्वेश्चन था ना क्वेश्चन नंबर फोर्थ, वो स्क्वायर वाला था। यहाँ पर क्या है, 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 के फॉर्मेट में शो करना है, वो ये क्वेश्चन जो है ये क्यूब वाला है, यहाँ पर क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव, तो यहाँ पर सिंपल सी बात है, सिमिलर क्वेश्चन है बिल्कुल फोर्थ के जैसा, बस यहाँ पर क्यूब आ गया, वहाँ पर स्क्वायर था, वहाँ पर हमने स्क्वायर किया था, यहाँ पर हम क्यूब करेंगे बस। तो आप क्वेश्चन नंबर फोर्थ भी देख लेना जिससे कि आपको आइडिया हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं अपन क्वेश्चन, बहुत ही आसान सा करवाऊंगा मैं इसका सोल्यूशन, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, ठीक है। तो सबसे पहले तो बात करते हैं कि 9m 9m प्लस 1 9m प्लस 8 ये है क्या भाई, तो आपको पता है ये 9m लिखा हुआ है, 9m प्लस 1 लिखा हुआ है, 9m प्लस 8 लिखा हुआ है, ये फॉर्मेट कौन सा है, ये है बी क्यू प्लस आर का फॉर्मेट, ये तो कोई दिक्कत नहीं है ना, बी क्यू प्लस आर का फॉर्मेट है। देखिए ये भी बी क्यू प्लस आर के फॉर्मेट में लिखा हुआ है, मुझे एक बात बताइए यहाँ पर जो आर है ये कितना है, तो आप कहोगे जीरो है सर, क्योंकि आर आ नहीं रहा है। यहाँ पर आर कितना है, आप कहोगे सर वन है। यहाँ पर आर कितना है, यहाँ पर आर एट है, क्लियर है बात, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये सब जो भी 9m 9m प्लस 1 9m प्लस 8 लिखा हुआ है ये बी क्यू प्लस आर के फॉर्मेट में लिखे हुए हैं, ये तो हमें समझ में आ गया, ठीक है। अब
बात करते हैं कि यार ये जो बोल रहा है एनी पॉजिटिव इंटीजर्स, तो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि एनी पॉजिटिव इंटीजर्स जो होते हैं वो किस फॉर्म में होते हैं, वो होते हैं 3q, 3q प्लस 1, 3q प्लस 2 के फॉर्मेट में होते हैं ना। जितने भी एनी पॉजिटिव इंटीजर्स जो होते हैं वो 3q, 3q प्लस 1, 3q प्लस 2 के फॉर्मेट में होते हैं, ये आपको पता है, तो हम वैसा ही करेंगे। और यहाँ पर एक बात बताइए मेरे को, 9m, 9m प्लस 1, 9m प्लस 8, bq प्लस r के फॉर्मेट में है, बट हमारी यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होती है, a इज इक्वल टू bq प्लस r होती है, ठीक है। तो यहाँ पर bq प्लस r तो मौजूद है, bq प्लस r के फॉर्मेट में मौजूद तो है, बट क्या यहाँ पर a मौजूद है? आप कहोगे a तो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है ना ए एग्जिट, जबकि यूक्लिड डिवीजन लेमा जो होती है वो ए इज इक्वल टू बी क्यू आर, बी क्यू प्लस आर के फॉर्मेट में होती है, बट यहाँ पर ये जितने भी नंबर्स लिखे हुए ये ए इज इक्वल टू में ए के फॉर्मेट में तो नहीं लिखे हुए हैं, यूक्लिड डिवीजन लेमा के फॉर्मेट में तो नहीं लिखे हुए हैं। क्यों नहीं लिखे हुए? क्योंकि यहाँ पर ए एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो हम क्या करवाएंगे, ए को एग्जिस्ट करवाएंगे। ए एग्जिस्ट कैसे होगा? लेट करके होगा, लेट करवाएंगे। क्लियर है बात, समझ गए? चलिए तो इस अप्रोच से हम करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व, तो करते हैं शुरू इसका सोल्यूशन। तो लेट हम ले लेते हैं ए, बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, क्लियर है, देन इट इज ऑफ द फॉर्म, अगर ए एनी पॉजिटिव इंटीजर देन ये किस फॉर्मेट में होगा, देन इट इज ऑफ द फॉर्म, किस फॉर्म में होते हैं एनी पॉजिटिव इंटीजर्स, मैंने आपको बताया था प्रीवियस क्वेश्चन में, 3q, ये रट लो आप, 3q प्लस 1 काम आएगा, 3q प्लस 2 के फॉर्म में, 3q प्लस 2 तक क्यों गए, क्योंकि जो रिमाइंडर होता है उसकी कंडीशन होती है कि रिमाइंडर जो होता है वो लेस देन होता है किससे, बी से, ठीक है, बी क्या है, 3 है, क्लियर है बात। सो वी हैव द फॉलोइंग केसेस, तो हमारे पास में क्या कुछ केसेस बनेंगे, तो हम लिखते हैं, सो वी हैव द फॉलोइंग केसेस, कौन कौन से केसेस बनेंगे देखते हैं, तो केस नंबर फर्स्ट, ठीक है, तो केस नंबर फर्स्ट बनेगा व्हेन, व्हेन ए इज इक्वल टू, अब मैं क्या करूंगा, इस ए को किसके इक्वल रखूंगा, पहले तो 3q के इक्वल रखूंगा एक बार तो, ठीक है, फिर मैं ये एक साथ ही रख लेते हैं अपन केस, फिर केस नंबर सेकंड में मैं क्या करूंगा, ए को 3q प्लस 1 के इक्वल रखूंगा, ठीक है, और फिर केस नंबर थर्ड में मैं ए को 3q प्लस 2 के इक्वल में रखूंगा। अब यहां पर देखो ए इज इक्वल टू 3q कर दिया हमने, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर्थ की जैसा, हमने वहां पर भी ऐसा ही किया था, अब थोड़ा चेंज आएगा, अब क्या आएगा, वहां पर स्क्वायर था यहां पर क्यूब है, तो हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग, स्क्वायरिंग नहीं क्यूब, ठीक है, क्यूबिंग बोथ साइड्स, ठीक है, सब में कर लो ऐसा, तो यहां पर हम करें तो ए क्यूब इज इक्वल टू 3q का होल क्यूब, तो ये हो गया हमारा ए क्यूब, 3q का होल क्यूब क्या होगा, 3 3 जा 9 9 3 जा 27, और ये हो गया हमारा क्यूब, क्लियर है। चलिए पहले इसको कर लेते हैं अपन, तो ए क्यूब इज इक्वल टू 27 का होल क्यूब, अब यहां पर देखो 27 q³ हो गया है, अब मेरे को क्या है, इसको 27 q³ को किस फॉर्मेट में करना है बताओ, 9m में करूंगा, 9m प्लस 1 में करूंगा, या 9m प्लस 8 में करूंगा इसको, तो मैं कहूंगा 9m में करूंगा, किस में करूंगा, 9m में करूंगा, क्यों 9m में करूंगा, क्योंकि यहां पर मेरे पास में रिमाइंडर मौजूद नहीं है, किस में रिमाइंडर मौजूद नहीं है, 3q में, देखो 3q प्लस 1 3q प्लस 2 में तो रिमाइंडर है, बट यहां पर 3q में रिमाइंडर है क्या, रिमाइंडर 0 है, और यहां पर भी रिमाइंडर 0 है, 9m यहाँ पर भी रिमाइंडर नहीं है, तो इसको मैं जो a इज इक्वल टू 3q है इसको किस फॉर्म में करूँगा, 9m में करूँगा। अब ये 9m कैसे बनेगा मेरा, बनाता हूँ मैं, फोर्थ क्वेश्चन में भी बनाए थे ना अपन ने, तो यहाँ पर भी बनाएंगे, तो देखो 9m कैसे बनेगा, यहाँ पर 9 कैसे बनेगा, तो 9 पहले तो ले लेता हूँ, 9m बनाना है तो 9 बनाना है तो 9 ले लिया मैंने, अब मैं इसको क्या कर सकता हूँ, मैं बताऊँ, कॉमन ले मतलब 9 ले लिया और ब्रैकेट में रख देता हूँ 3q³, देखो 9 3 जा 27, ठीक है, 9 3 जा 27, और ये क्यूब हो गया, कोई दिक्कत है बताओ, तो 9 3 जा 27 q³, ठीक है, कोई परेशानी नहीं है ना, तो जो 3 q³ लिया मैंने, इसको मैंने क्या मान लिया, m मान लिया, तो मैं कह सकता हूँ ये हमारा हो गया फॉर्मेट 9m, जहाँ पर वेयर m इज इक्वल टू
थ्री क्यू क्यूब, ठीक है, क्लियर है ना। तो 9 थ्री जा 27 क्यू क्यूब हो गया हमारा। अब देखो 3q+1, तो इस वाले को मैंने किस फॉर्मेट में कर दिया, a इज इक्वल टू 3q, 3q को मैंने किस में कर दिया, दिखा दिया हमने शो करके किस में, 9m में, ये करके दिखा दिया मैंने। अब मैं a इज इक्वल टू 3q+1 ले रहा हूँ, ये ले लिया मैंने, यहाँ पर भी मैं क्यूब करूँगा, ये लिख लूँगा मैं क्यूब बोथ साइड्स, अब कर लेते हैं हम, तो ये हो जाएगा हमारा a क्यूब और ये हो जाएगा हमारा 3q+1 का होल क्यूब। अब यहाँ पर एक आइडेंटिटीज पता होनी चाहिए, कौन सी, a प्लस बी का होल क्यूब। देखो a प्लस बी का होल क्यूब बन रहा है, ए प्लस बी का होल क्यूब होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, ठीक है। तो हम कैसे करेंगे इसको बताओ, ए क्या है हमारा, यहाँ पर मैं करके बता देता हूँ या यहाँ पर कर लेते हैं। देखो ए क्या है हमारा, ए यहाँ पर है 3, तो मैंने 3q, तो 3q का क्यूब। बी क्या है, बी है हमारा 1, तो 1 का क्यूब प्लस 3, ए 3 है, 3q है, बी 1 है, ठीक है, और a प्लस बी मतलब 3q+1। तो इसको सॉल्व कर लेता हूँ, तो इसको सॉल्व करके हमारा आएगा 3q, सॉरी इसको सॉल्व करके हमारा क्या आएगा, 3q का क्यूब मतलब 27 का 27 क्यू क्यूब प्लस 1 प्लस 3 जा 9 9q, और ये हो जाएगा हमारा 3q+1, ठीक है, ऐसे ही होगा ना। अब इसको भले और कर लो, आप इसको और कर लो, 9 3 जा 27 q² + 9q, ऐसे भी हो सकता है, तो ये हो गया हमारा 27q³। क्या आया हमारा इसको सॉल्व करके, 27q³ प्लस फिर 27q² लिख दो, ऑर्डर में लिखो, प्लस 9q, अरे प्लस 9q प्लस ये 1, देखो 27q³ 27q² 9q और प्लस 1, ये वाला मत लिखना, ये तो मैंने इसको तो बना के मैंने ये लिख दिया, क्लियर है। तो मैं इसको अब हटा देता हूँ, अब कोई काम का नहीं है। चलिए हो गया, ये इतना हो गया ना आपका, क्लियर, समझना बहुत अच्छी चीज़ है ये। अब देखो मेरे को इसको फॉर्म, इस वाले को मेरे को या तो इसमें करना है या इसमें करना है, किसी में भी कर सकता हूँ मैं, ठीक है। अब मेरे को दिख रहा है कि यार ये प्लस वन दिख रहा है मेरे को एंड में, तो प्लस वन को तो साइड में रख लूँगा मैं। यहाँ पर मैं कॉमन ले सकता हूँ, आप कहोगे जी हाँ सर ले सकते हो, क्या कॉमन आएगा, 9q आएगा, तो 9 3 जा 27, यहाँ पर क्या बचा, q², यहाँ कितना बचा, 3q बचा ओनली, और 9 1 जा 9 मतलब ओनली नहीं, q भी नहीं बचा, 1 बचा ओनली, ठीक है, कितना बचा, 1 बचा प्लस 1, ठीक है। तो हम क्या बोल सकते हैं भैया, हम बोल सकते हैं कि ये तो हमारा 9 हो गया, और ये q इंटू 3q, ये जो है इसको मैं, इस वाले को, ये पूरा इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, m बोल सकता हूँ, प्लस ये 1 है, वेयर यहाँ पे हम बोल सकते हैं, वेयर जो हमारा m है वो क्या है हमारा, q इंटू 3q² प्लस 3q+1, क्लियर है, बस ऐसा शो करना है आपको, क्या दिक्कत है बताओ, कितना आसान है। अब देखो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, क्यूब करेंगे, तो ए क्यूब इज इक्वल टू 3q+2 का होल क्यूब। अब फिर से वही वाली बात, क्या करना है हमारे को, अप्रोच लगानी है ये वाली, ठीक है, ये वाली आइडेंटिटीज़ यूज़ करो, और आप करके बताओ इस आइडेंटिटीज़ का यूज़ करो। तो इस आइडेंटिटीज़ का यूज़ करने पर देखो, 3 3 जा 9 9 27 q प्लस 54q² आएगा, आप एक बार करना, प्लस 36q प्लस 8 आएगा, मैंने डायरेक्टली कर दिया, ठीक है, आप भी एक बार करना उस टाइप से जैसा मैंने आपको पहले करके बताया ना, अभी मैंने डायरेक्टली कर लिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आप कॉमन लोगे, देखो 8 दिख रहा है, ये 9m प्लस 8 भी दिख रहा है, तो 8 को तो बाहर रख दो भैया, आ जाएगा ये शो हो जाएगा, और यहाँ पर हम क्या ले लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं, 9 से जा रहे पूरे, बिल्कुल जा रहे, तो 9 और क्यू ले सकते हैं हम, ये लो 9 3 जा 27 3q² प्लस 9 6 जा 54 क्यू प्लस 9 3 जा 9 9 4 जा 36 प्लस यहाँ पर 8। फिर से मैं कह सकता हूँ ये जो क्यू इंटू ये है इसको मैं क्या बोलता हूँ, m बोल देता हूँ, प्लस 8। वेयर अगर बात करूँ वेयर की, तो मैंने क्या लिया, m इज इक्वल टू क्यू इंटू 3q, ये लिख दो पूरा, प्लस 6q + 4।
बस, तो हमारा शो हो गया ये किस में, 9m+8 में, तो हमारे को शो ही तो करना था, हमने कर दिया। क्लियर है? तो स्टेटमेंट के तौर पे हम लिख सकते हैं हैंस हैंस ए क्यूब इज आइदर ऑफ द फॉर्म 9m और 9m+1 और 9m+8। क्लियर है? तो इस टाइप से इसका पूरा सॉल्यूशन होगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, और मैंने पूरी कोशिश करी है कि आपको अच्छे से और इजी वे में समझा पाऊँ। क्लियर है? तो इस वीडियो के अंदर इतना ही, और मैं फिर से आपको कहूँगा पूरी आप एक्सरसाइज देख लीजिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वेश्चन सब देख लीजिए, जब जाकर आपको समझ में। आप डायरेक्टली अगर ये फिफ्थ वाला क्वेश्चन देखोगे ना तो आपको थोड़ा सा अटपटा लग सकता है। आप सीक्वेंस में देखिए, फर्स्ट जो सेकंड क्वेश्चन है इसी टाइप का है उसको देखिए, फोर्थ क्वेश्चन देखिए, फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, इस टाइप से देखिए, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। क्लियर है बात? और यहाँ पर जो मैंने आपको लिखवाया ना, जो पॉजिटिव इंटीजर्स जो होते हैं वो 3q+1 3q+2 है, इसकी भी एक क्या होती है, एक इसका भी प्रूफ करने का होता है कि 3q 3q+1 3q+2 के फॉर्म में होते हैं, शो करके बताइए। तो ये भी मैं आपको करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी हम एनसीईआरटी कर रहे हैं, तो हमने एनसीईआरटी के क्वेश्चंस लिए हैं, फिर मैं बाद में इनको भी शो करके बता दूंगा कि ये 3q 3q+1 और 3q+2 के फॉर्मेट में कैसे शो होते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स। क्लियर है बात? तो इस वीडियो के अंदर इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि अपकमिंग वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। थैंक यू सो मच।